सुबह भाई सो के जब उठता हूँ तो माइंड के अंदर ऐसे चूल उठता है कि चलो एक बार चैनल को ओपन करके देखते हैं कि सब्सक्राइबर कितना आए। पर सब्सक्राइबर तो उतना ही है जितना कल था। बस हर यूट्यूबर का एक आदत होता है देखने का बार बार ओपन करके। लेकिन मैं फोन इतना यूज करता हूँ कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों की गांड फट जाती है। गाइज आप लोग सोच के बताना कि आप अपने लाइफ में सबसे महंगा फोन किसको बोलोगे, आईफोन 13 प्रो मैक्स जो 1 लाख से ऊपर की कीमत है, या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स जो इसी साल इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। मैं जिस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ उस फोन का 1 लाख 2 लाख कीमत नहीं है बल्कि 456 करोड़ कीमत है, और ये फोन इंडिया के पास है जो वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव फोन है। जब इंडिया का नाम ले लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ये फोन किसके पास हो सकता है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी के पास ये फोन है और इस फोन का नाम है फाल्कन सुपरनोवा जो आईफोन 6 है। आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि इतना महंगा फोन ये क्यों है, तो यहाँ पे आपको रीजन बताऊं कि इस फोन के अंदर प्लैटिनम का यूज किया गया है और पिंक डायमंड का यूज किया गया है जिसके वजह से 456 करोड़ इस फोन का कीमत हो जाता है और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फोन बन जाता है। जो कि इस फोन को एक दो मंजिल के ऊपर से फेंक भी दिया जाए तो ये फोन टूटेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर प्लैटिनम का यूज किया गया है। बहुत तेज बोल दिया यार, दिल बैठ जाएगा अगर इतना तेज बोलता रहा तो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पोछ पोछ के वीडियो बनाया जा रहा है और पंखा अभी बंद है। पंखा इसलिए बंद है कि अगर मैं पंखा चलाया तो वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा और नॉइज़ आएगा तो आपका भी दिमाग खराब होगा और मेरा वीडियो भी खराब होगा, तो इसलिए पंखा को यूज नहीं करता हूँ जब मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो दिल से भाई वीडियो बनाया जा रहा है और दिल से आप शेयर कर देना। कुछ फोन है जो इंडिया के अंदर इसी गर्मी के महीने में लॉन्च होने वाला है, तो वो कौन कौन सा फोन है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो यहाँ पे एप्पल कंपनी की तरफ से आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाले इसी गर्मी के महीने में, वन प्लस का नोट 2T फोन लॉन्च होने वाला है और नथिंग फोन का जो बहुत ज्यादा हाई बना है वो भी इसी साल लॉन्च होने वाला है, और IQOO न्यू 6 का ब्लैक वर्जन अलग स्टाइल में इस साल फोन लॉन्च होगा, और वन प्लस का पहला यहाँ पे गेमिंग फोन आने वाला है वन प्लस AC रेसिंग एडिशन। तो भाई यहाँ पे काफी कमाल के फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, तो देखेंगे 2-3 महीने में कौन कौन से फोन आते हैं। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मुझसे पंगा लेगा तो मिलेगा तुझे भाला। फोन के बारे में इतना कुछ चर्चा हो ही रहे तो एक फोन का फैक्ट भी सुन लो यहाँ पे। जो सिंपल और सादा फोन होते हैं उस फोन को हैक करना इम्पॉसिबल है, मतलब उस फोन को हैक ही नहीं कर सकते हो, डाटा कुछ भी नहीं निकाल सकते उस फोन से। लेकिन जो एंड्रॉइड फोन होता है उसके अंदर से सारा कुछ पता कर सकते हो भाई कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या गूगल पे सर्च कर रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग जान सकते हो एंड्रॉइड फोन में, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑन होता है, आपका ईमेल आईडी रजिस्टर है, क्या कर रहे हो सब कुछ पता चलेगा, वहाँ पे सब कुछ ट्रैक होता है। तो यहाँ पे आपका एंड्रॉइड फोन हैक हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जो सादा सिंपल फोन होते हैं वो हैक नहीं हो सकते। इसीलिए जो बिजनेस होते हैं वो सिंपल फोन को पसंद करते हैं यूज करना और बातें करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें करते हैं छोटे फोन पे, क्योंकि छोटे फोन से डाटा निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब मैं बताता हूँ आपको फोन का यूजेस कि अपने लाइफ में कैसे फोन को यूज करते हैं। भैया आप क्या कर रहे हो? मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियो देख रहा हूँ कि कैसे रेलवे टिकट को बुक किया जाता है। अच्छा, कुछ आपको सीखना है या फिर पढ़ना है तो यूट्यूब को खोलो, वहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है फोन से कि आप पढ़ सकते हो, कुछ सीख सकते हो, ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। भैया आप क्या कर रहे हो? मैं फोन पे कैब बुक कर रहा हूँ, मेरे को एक जगह ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे आसपास में मैं पता नहीं कर सकता कि मैं किसके पास जाऊँ, ऑटो वाला, मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं फोन से एक कैब बुक कर रहा हूँ कि कहाँ तक मेरे को जाना है, भाई वो मेरे को ड्रॉप कर देगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, फोन है तो फोन से आप कैब को बुक कर सकते हो, आपके घर पे आएगा जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर आएगा, पिकअप करेगा और आपको ड्रॉप कर देगा जहाँ आपको जाना है, और अपने स्ट्रगल को काफी हद तक कम कर लेते हो फोन का यूज करके। अरे भैया आप फिर से फोन चलाने लगे, अब क्या कर रहे हो? मेरे को बहुत तेज भूख लगा था तो मैं खाना बुक कर रहा हूँ अपने फोन से, ताकि मेरे घर पे 5-10 मिनट में खाना पहुंचे और मेरे को बनाना ना पड़े और मैं खा लूँ। तो अगर आपको खाना बुक करना है, आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे जा सकते हो, कैब बुक कर सकते हो, अगर कहीं जाना है तो बहुत सारे काम अपने फोन को यूज करके कर सकते हो। तो अपने लाइफ से फोन को अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका लाइफ बहुत ज्यादा आसान बना देता है फोन को यूज करते हो। तो ऐसी जानकारी आपको मेरे चैनल में मिलता रहेगा, तो कैसा लगा जानकारी बताइए कमेंट बॉक्स में, और जो लोग भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।